इस वक्त की बड़ी खबर नोहू मेवात जिले के ताउड़ू से प्राप्त हो रही है। हम आपको बता दें, अपराध जांच शाखा ताउड़ू पुलिस ने हैदराबाद से इमामी आयुर्वेदिक कंपनी के चोरी हुए करीब 1 करोड़ रुपए के माल को अपराध जांच शाखा ताउड़ू ने 3 आरोपियों को गाड़ी सहित धर दबोचा गया है। दिनांक 21 नवम्बर को साय करीब 7 बजे गुप्त सूत्र से सूचना प्राप्त हुई कि खालिद पुत्र आसू, नासिर पुत्र अजमल, हयात पुत्र यासीन निवासी नीम का थाना बिछोर डी 10 टायरा आरजे 11 GB 7829 में बेंगलोर से लेकर आ रहे हैं तथा सील को मोड़ से होते हुए भिवाड़ी की तरफ लेकर जाएंगे, जिसमें इमामी आयुर्वेदिक सामान का चोरी का सामान भरा हुआ है। जिस सूचना पर निरीक्षक सुरेंद्र संधु प्रभारी अपराध जांच शाखा ताउड़ू द्वारा एक टीम गठित करके सीलखो मोड़ नूह ताउड़ू रोड पर नाकाबंदी शुरू की, जो कुछ समय बाद एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी, जिसे पुलिस पार्टी द्वारा रुकने का इशारा किया गया। जो पुलिस के इशारे देने पर ड्राइवर ने गाड़ी पुलिस को कुछ दूर आगे रोका, वो ड्राइवर कंडक्टर साइड में से उतरकर भागने लगे। पुलिस पार्टी द्वारा गाड़ी के चालक व उसमें बैठे हुए शख्स को काबू करके नाम पता पूछने पर ड्राइवर ने अपना नाम हयात पुत्र यासीन निवासी नीम का हुए कैबिन में बैठे हुए शख्सों ने अपने अपने नाम खालिद पुत्र आसू, नासिर पुत्र अजमल निवासी नीम का थाना बिछोर बताया। गाड़ी में भरे सामान के बारे में बिल्टी हुए कागजात पूछने पर कोई कागजात पेश नहीं कर सके, वो ना ही पुलिस को कोई संतोषजनक जवाब दे सके। गाड़ी को खोलने से पता चला कि गाड़ी में इमामी आयुर्वेदिक कंपनी की सामान की करीब 514 पेटियां बरामद हुई है, जिस पर सदर थाना ताउड़ू में संबंधित धाराओं में के अंतर्गत अभियोग अंकित कर लिया गया है, जहां आरोपियों को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, जिन्हें आज 22 नवंबर को माननीय अदालत के समक्ष पेश कर पुलिस द्वारा रिमांड पर लिया गया है। हम आपको बता दें कि ताउड़ू CIA की ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। मेवात पुलिस कप्तान श्री वरुण सिंगला के नेतृत्व में अपराध पर लगाम लगाते हुए हैदराबाद से इमामी आयुर्वेदिक कंपनी के चोरी हुए करीब 1 करोड़ रुपए के माल को अपराध जांच शाखा ताउड़ू ने 3 आरोपियों सहित गिरफ्तार कर उनसे माल बरामद किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में लगी हुई है। वही तीनों आरोपियों का माननीय अदालत द्वारा रिमांड हासिल किया गया है और आरोपियों से गहनता से पूछताछ जारी है। 21 को शाम को 7 बजे इंस्पेक्टर CIA ताऊ सुरेंद्र संधु को गुप्त सूचना मिली थी कि एक बंगलोर से गाड़ी आ रही है, जिसके अंदर इमामी का आयुर्वेदिक का सामान है, जो कि सीलको की तरफ से होता हुआ भिवाड़ी की तरफ जाएगा। इस संबंध में इंस्पेक्टर CIA ने HC अशोक कुमार को सीलको मोड के ऊपर नाकाबंदी करने के लिए आदेश दिया और अपनी टीम को भेजा, जो थोड़ी देर बाद एक 10 टायर ट्रक आया, जिसको HC अशोक कुमार ने अपनी टीम के साथ उनको रुकवाया। रुकवाने के बाद वो उनकी ट्रक की तलाशी ली गई। तलाशी जब उसकी तरपाल से हटवाई गई तो ट्रक के अंदर 514 पेटियां जो कि इमामी आयुर्वेदिक का सामान था, और उस गाड़ी के अंदर 3 व्यक्ति बैठे थे जिनको काबू कर लिया गया। एक का नाम हयात, दूसरे का नाम नासिर और तीसरे का नाम खालिद, जो निमका और बिछोर के रहने वाले थे और जिनकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ का सामान बताया जा रहा है, और उनसे सामान की बिल्टी वगैरह मांगी गई भी, इनकी बिल्टी दिखाई जाए तो बिल्टी वगैरह नहीं थी खास गए और ना ही कोई संतोषजनक जवाब दे सके। जो पूरी अपनी कार्रवाई करने के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है तीनों को, और आज उनको केस दर्ज किया जा रहा है और सारा पता लगाया जा रहा है कि ये गाड़ी का माल किसका था, कहाँ जाना था और इधर भिवाड़ी में किसकी लेके जा रहे थे। सारी उनका पुलिस रिमांड हासिल करने के बाद उपरोक्त कार्रवाई हमें लाई जा रही है।